what will happen on that? Well, I think first of all, there is no tussle between India and the United States of America. The fact is that American authorities have behaved atrociously with an Indian diplomat. And obviously, America has to make good for its actions. So therefore, I think it's a legitimate expectation that if they have erred, and they have erred grievously in this matter, they should come forth and apologize. And in addition to that, all attempts must be made by the United States of America to ensure that the life, liberty, limb, and dignity of our diplomats abroad are protected and preserved. So if at all the government of India has articulated that demand, I think that's a very minimalist thing which needs to be done by the US. देखिए जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा है कि अगर हमारे किसी राजदूत के साथ, बाहर हमारे जो अफसर पोस्टेड हैं उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और देवयानी जी के साथ जो हुआ है वो बदसलूकी से भी ज़्यादा था, और इसलिए अमेरिका को चाहिए कि इस बात के ऊपर आत्मचिंतन करें, उसके ऊपर पश्चाताप करें, क्योंकि किसी भी मुल्क के जो डिप्लोमैट्स हैं या राजदूत हैं उनको इस तरह से का बर्ताव कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा, और विदेश मंत्रालय ने अपने तरफ से, विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि इसको हम एक निष्कर्ष पर लेके जाएंगे। यूपीए के सहयोगी डीएमके को क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं या मोदी के साथ जाना चाह रहे हैं। देखिए जहाँ तक डीएमके का सवाल है, डीएमके सरकार में हमारे साथ शामिल था, उसके बाद किन्हीं कारणों से वो सरकार से अलग हो गए, पर वो यूपीए का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने किसी परिपेक्ष में कोई टिप्पणी दी है या कोई प्रतिक्रिया दी है तो वो डीएमके के साथ उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे।